छलनी में देखना है। कमाल की मर्यादा है हमारे सनातन को, हल्के से चिलमिल से चिलमल से देखना है, कहीं मेरी नजर न लग जाए चांद से मुखड़े, चाहे काला कलूटा है चाहे जैसा ही है, सामने साटे वास्ते तो ये सब कुछ नहीं। इन्हें तो चलते ऐसे गुरु दरबार जाने, इन्हें तो चलते ऐसे तीर्था से जाने, कैसे कहीं छलनी के पीछे से माताएं देखते। चंद्रमा मन का स्वामी है और रिलेशन तब तक परिपत्र आपका मन स्वीकार ना कर ले। नई नई शादियां होती है, लड़की कहती हम खुश नहीं है घर में, बुढ़िया कहती आज करवा चौथ तो तुझे करना ही पड़ेगा, भूखे रहना ही पड़ेगा, वो व्रत भी रख रही है। गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहो, श्री गुरु मूर्ति की ओर। अब चाहे आंचल से देख लो, चाहे छलनी से देख लो, चाहे पर्दे से देख लो, मेरे ठाकुर को अष्ट पहर निरखत रहो। गुरु का प्रकाश सूरज के साथ कंपेयर नहीं किया गया, सूरज में प्रकाश ज्यादा होता, लेकिन चंद्रमा के साथ मेरे सतगुरु की आभा का वर्णन किया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना उष्ण होता है, इतना तेज होता है कि हमेशा वो सहन होता नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रसाद जो प्रकाश है इतना शीतल होता है, इतना ग्राही होता है, इतना आनंददायी होता है कि चंद्रमा की छाया में तो हम पतीला भर के खीर बना के भी ढकना खोल के रख देते, हे चंद्रमा तुम्हारी किरणें इस खीर के पतीले में पड़ते हैं। ये प्रसाद के साथ कोई भगवती के साथ कोई बूटी कोई पावडर कुछ खाएंगे हमारे अंतर का रोग दूर हो जाएगा। तो ऐसे चंद्रमा मन के स्वामी है, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, जब तक मन न स्वीकार करे संबंध अटूट नहीं बनता है। चाहे गुरु और शिष्य का संबंध हो, यदि मन बीच में धोखा दे गया तो गुरु शिष्य का रिलेशन भी अटूट नहीं बन पाता है। भक्त का भगवान का संबंध हो, यदि मन उसमें जुड़ा नहीं है तो वो संबंध भी हमारा विक्षिप्त हो जाता है। इसलिए अष्ट पहर निरखत रहो। हमने कभी करवा चौथ किया, लेकिन कभी अपने गुरु महाराज के इशारे को समझा ही नहीं। उन्होंने पहले बताया है बेटा, जैसे पति पत्नी का संबंध है वैसे मेरा भी तो संबंध है। अष्ट पहर निरखत रहो, श्री गुरु मूर्ति की ओर। छलनी में देखो, जैसे भी देखो, और जब गुरु के चरणों में भरोसा हो जाता है ना, तो चंद्रमा अपने आप हमारी व्रत को हमारे संकल्प को दृढ़ बनाने में सहायक हो जाता है। भरोसो दृढ़ इन चरणन माही, भरोसो ऐसी दृढ़ता है। तो नारद जी ने सेवा के प्रताप से, जूठे बर्तन धोने के प्रताप से, और नारद की बात क्या करें, भैया हमने काशी में व्याकरण नहीं पढ़ा है, हमने हरिद्वार में ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ा है, हमने भी नंगली दरबार में झाड़ू लगाया, हमको कहीं विद्यालय में पाठशाला में यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं कराया गया है, आज व्यास गद्दी पर बैठा के आप आरती उतारते हो, एक आदेश के लिए आप नालायक रहते, स्वामी जी काश मेरे हाथ से पानी पी लेते, आज इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे सच्चे बादशाह ने दिया है, कहीं कॉलेज की डिग्री नहीं है, ना कुछ गा के पाया है, ना कुछ रो के पाया है, अब तक जो भी पाया है अपने नंगली दरबार का हो के पाया है, यही मेरी उपलब्धि है। नारद जी कहते लोक लोकांतर में लोग
मेरे स्वागत के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ देव ऋषि नारद जी के द्वारा सेवा की मान्यता को प्रदर्शन किया गया है और हम सब लोग गुरु घर के चाकर हैं, हमें भी आज करवा चौथ के पर्व पर ये संकल्प लेना चाहिए। जैसे अपने मन के स्वामी चंद्रमा को अर्घ देकर आप अपने सुहाग की कल्पना करते हो, ऐसे सतगुरु को चंद्रमुख के समान उस परम तेजस्वी तेज को भी गुरु के घर सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। कहीं भी रहे हम, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कम्युनिटी में, किसी समाज में, किसी बिरादरी में, किसी देश प्रदेश में रहे, गुरु की आज्ञा हमारे मन में बसी रहे तो गुरु शिष्य का संकल्प भी प्रगाढ़ होता है, पति पत्नी का संबंध भी प्रगाढ़ होता है, भाई भाई का संबंध भी प्रगाढ़ होता है, भक्त भगवान का संबंध भी प्रगाढ़ होता है। देव ऋषि नारद ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए सत प्रेरणा दे दिया, रचना किया, चार महात्माओं को याद करा दिया, वन में उन महात्माओं से उच्चारण सुनकर सुखदेव मुनि वापस आ गए, दर्शन किया पिता का, पिता ने देख लिया, भागवत का उपदेश दिया और परीक्षा के लिए विदेहराज जनक के घर भेज दिया। जैसे सुखदेव विदेही है वैसे राजा जनक भी विदेही। इस प्रकार से भागवत का क्रम चला, महाभारत का सूक्ष्म दर्शन कराया है। ऐसा बड़ा प्रांत, ऐसा बड़ा देश, ऐसा बड़ा राष्ट्र, लेकिन जो राष्ट्र को चलाने वाला है उसको दिखाई ही नहीं पड़ता, इतना बड़ा दुर्भाग्य इस राष्ट्र का है। गाड़ी में बिठा दिया, चलो बाबा जी हम आपको घुमाने ले चलेंगे, लेकिन दोनों आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सर्वतो अंधा धृतराष्ट्र, लेकिन ऐसा अंधा है कि छोटे भाई के पांच पुत्र तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अपने जन्मे हुए 100 पुत्र कभी भूलते ही नहीं है। अपने पुत्रों की चिंता करता है, भाई के पांच बेटों की चिंता करता ही नहीं है। ऐसे अंधी डिसीजन, अंधे निर्णय के कारण भारत में महाभारत हुआ। महारानी कुंती, महारानी द्रौपदी, महारानी उत्तरा को साक्षात गोविंद ने दर्शन दिया है। उत्तरा के तो कोख में जाकर ठाकुर बैठ करके इस हस्तिनापुर के दीपक को संभाला, कहीं बुझ न जाए, मेरे प्रिय अभिमन्यु का तेज इस जगत में प्रकाश करे, इसलिए उत्तरा की कोख में ठाकुर जाके बैठ गए। जन्म हुआ अभिमन्यु नंदन का जन्म हुआ। आपको पता उनका नाम क्या है, बोलो। नहीं बोलोगे? अच्छा ये बताओ, आज भाई जी ने जो कार्तिक की कथा सुनाई ना, वो कौन सी कथा थी आज? मैं तुम्हारे बीच में नहीं बैठा था, लेकिन ऊपर बैठा हुआ सुन रहा था मैं भी। अच्छा ये बताओ भाई जी ने भजन कौन सा गाया था? ये हाल है शादी के तो आगे बोला नहीं कोई जाएगा, मैं भी को लगाना बैठा। गुलवा की बिहारी जय, क्या करें महाराज जी, कोई सानू गाला कटे ने सात जन्म भी भुलता नहीं, पर सत्संग दिया गला तो इधर ही इधरों सुनो उधरों पढ़ कर पता ही नहीं चलता, कुछ कहते ही नहीं रहता। विस्मृति है संसार में। परीक्षित का जन्म हुआ, परवरिश हुई और परीक्षा भी हुई, पास हो गए। पास करके ठाकुर जी द्वारिका चले गए, यह लीला समाप्त हो गई। बुजुर्गों ने कहा जब कृष्ण धरती पर नहीं तो हम क्यों रहेंगे,
स्वर्गारोहण हो गया, साथ में महारानी द्रौपदी भी चली गई, हस्तिनापुर के राजा बने। लेकिन एक भूल हो गई, साधु का अपराध कर दिया, बहुत कुछ किया, बहुत बड़े बड़े काम किए राजा परीक्षित ने, लेकिन एक अपराध हो गया, महात्मा का अपराध कर दिया, श्रापित हो गए, श्राप लगा जीवन, पाप आया, पाप से श्राप लगा, श्राप से दुर्गति, राज छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, साधन छोड़ दिया, पश्चाताप के लिए घर परिवार छोड़ दिया, तीर्थों में भटकते हुए सुख तीर्थ गंगा तट पर चले गए, हाहाकार मच गया, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट ने एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया, सारा राजपाट छोड़ दिया, खजाने छोड़ दिए, वैभव छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, प्रतिष्ठाएं छोड़ दी, पूरे ऋषियों का समूह इकट्ठा हो गया। परीक्षित ने कहा, महाराज जी कोई मेरी लाज बचा लो। संतों ने कहा, क्या हुआ है आपको? कहा, मुझसे साधु का अपराध हो गया है। महात्माओं ने कहा, बाबा रे बाबा, साधु के अपराधी को तो हम कभी भी नहीं बचा सकते। ऐसे पुकार, करुणा से पुकारा है महाराज परीक्षित ने, और उस पुकार को सुन लिया जगत नियंता परमात्मा ने। पुकारा है परमात्मा को और प्राप्ति हो गई है महात्मा की। बुला रहे हैं परमात्मा और आ रहे हैं महात्मा। उसी समय सुखदेव मुनि ने आके उंगली पकड़ ली, बोले सुखदेव जी महाराज, स्वागत किया है गुरुदेव का, रेते का चबूतरा बनाया है, गंगा जल हाथ मिलाकर चरण धोया है, गुरुदेव कोई साधन नहीं है। सुखदेव जी कहते, इससे बड़ा और साधन क्या होगा, इतनी बड़ी दरिया बह रही गंगा जी की, जितना मर्जी जल ले आओ। सजल नेत्र स्वागत किया है, संत का गुरु रूप में सुखदेव मुनि मिले हैं, बुलाया था द्वारिकाधीश को और आगे सुखदेव मुनि। भगवान ने सोच लिया, यहाँ गदा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बाण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, यहाँ संत का वचन लगा हुआ है, उस श्राप को मिटाने के लिए इसको तो वचन ही चाहिए, क्योंकि जहर से ही जहर काटा जाता है, वचन का निवारण वचन से ही हो सकता है, इसलिए यहाँ शस्त्र नहीं, यहाँ शास्त्र की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा ने महात्मा का रूप धारण किया और राजा परीक्षित की उंगली पकड़ ली है, आसन पर बैठ गए हैं। अब क्या कहते हैं, कौन सी बात सुनाई है, कैसे आश्वासन दिया है श्राप से मुक्त करने का, ये प्रकल्प आप कल सुनोगे।